अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। मेरा नाम डॉक्टर साजिद महमूद है। आज हम बेसिकली जिस बात को डिस्कस करने जा रहे हैं वो है हूफ की प्रिवेंशन। इसमें हम बेसिकली क्या है कि हम फुट डिप बनाते हैं जिससे एनिमल के हूफ को काफ़ी हद तक जो है लेमनेस के इशू से हम बच सकते हैं। तो डिप प्रिपरेशन में हमारे पास जैसे आप देख रहे हैं दो डिप्स बनी हुई हैं। एनिमल जब मिल्किंग से बाहर जाते हैं तो इस डिप में से गुजर के जाते हैं। तो पहली डिप हमने रखी हुई है सिंपल वाटर की। तो वाटर इसलिए रखा हुआ कि ताकि एनिमल के जो हैं हूफ वो अगर उनके साथ गोबर वगैरह लगा हुआ है तो वो इससे साफ़ हो जाए। तो दूसरे नंबर पे हमने रखी है फुट डिप जो दूसरी है, जिसमें बेसिकली हम केमिकल यूज़ करते हैं। तो केमिकल दो तरह से आप यूज़ कर सकते हैं। एक तो सीधा तरीका कि आपने कॉपर सल्फेट जिसको हम नीला थोथा कहते हैं और फार्मलिन, इन दोनों का आप 1-1% जो है वो यूज़ करके फुट डिप में यूज़ कर सकते हैं फार हूफ प्रिवेंशन के लिए। तो उसमें ये होता है कि आप नीला थोथा आसानी से मिल जाता है, 1% आपने उसको डालना होता है, सिमिलरली फार्मालीन। तो हमने हमारी जो डिप है इसको हमने मैयर किया हुआ है इसमें पानी डाल के, तो इसमें तकरीबन 200 लीटर पानी डालता है। तो हम पहले तो कॉपर सल्फेट और जो फार्मालीन थी वो यूज़ कर रहे थे। अभी हमने एक नया प्रोडक्ट लिया, इसको हूफ शील्ड कहते हैं। तो हूफ शील्ड ये बेसिकली ये जो है सॉल्यूशन बना बनाया, इसको आपको बनाना नहीं पड़ता। तो ये भी आप जो हम यूज़ कर रहे हैं वो 1% यूज़ कर रहे हैं। तो हम एक दफ़ा इसको डिप बनाते हैं और 3 मिल्किंग तक इसको ऐसे ही चलाते हैं और 3री मिल्किंग के बाद इसको ज़ाया कर देते हैं और फिर दोबारा से इसको फिर तैयार करते हैं। तो ये हमारा जो डिप का पानी का वॉल्यूम है वो तकरीबन है इसका 200 लीटर। तो हम इसमें 2 लीटर बेसिकली जो है वो ये हूफ शील्ड जो है हमारा जो हूफ्स की प्रिवेंशन के लिए सोल्यूशन है वो यूज़ करते हैं। तो हम दिखाते हैं आपको किस तरह इसको मिक्स करना है आपने। तो इसमें आपको डिफरेंट स्पॉट पे इसको गिरा देना है ताकि ये प्रॉपर मिक्स हो जाए पानी में। और एक तो इसका कलर जो है वो तकरीबन जो ब्लू टाइप है, और एनिमल जब इसमें से गुजरते हैं तो उनका आगे एक तो हूफ जो है प्रॉपरली डिप हो जाते हैं। अच्छा, डिप बनाने में आपने क्या किन चीज़ों को का ख्याल रखना है? एक तो ये कि डिप में इतना पानी होना चाहिए कि आपके जानवर का खुर जो है वो मुकम्मल उसमें भीगना चाहिए। तो अगर हाफ खुर उसमें भीगेगा, लेवल लो होगा, तो उससे फिर आप प्रॉपर रिजल्ट नहीं ले पाएंगे। तो ये तकरीबन हमारा जो हूफ की फुट डिप की जो हाइट है या इसमें पानी का वॉल्यूम है, इससे ये होता है कि एनिमल की पूरी जो है हूफ उसमें मुकम्मल तौर पर डिप हो जाता है। और इसकी चुड़ाई हमने इतनी रखी है कि 2-3 एनिमल भी इसमें से गुजरे एट ए टाइम तो उसमें आसानी से गुजर जाएं। और आप ये भी देख रहे हैं कि शूट इससे बाहर कोई भी एनिमल इससे बाहर होके नहीं जाएगा। सो इसको इंश्योर करते हैं कि ताकि हर एनिमल इसमें से गुजर के जाए। तो ये तकरीबन हमारी फुट डिप जो है वो प्रिपेयर्ड हो गई है। तो अभी हम 3 मिल्किंग तक इसको सेम इसी तरह चलाएंगे। 3री मिल्किंग के बाद हम इसको जो पानी निकाल देंगे और अच्छी तरह वॉश करके दोबारा प्रिपेयर कर लेंगे। और हमारे आप देख सकते हैं कि एनिमल भी मिल्किंग के लिए आ चुके हैं। तो वेटिंग एरिया में हमने जैसे शावर्स लगाए हुए हैं, तो एनिमल्स को हम पहले 10-15 मिनट इनको अच्छी तरह जो शावरिंग करवाते हैं ताकि इनका बॉडी टेम्परेचर डाउन हो और ये मिल्किंग पे आसानी से मिल्किंग करा सकें। तो इस रिलेटेड अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो वो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं मेरे पर्सनल व्हाट्सएप नंबर पर जो नीचे मैंने दिया हुआ है। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।